हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड, आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो आज से लिंक जो है इसका एक्टिवेट हो गया है। सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मई 9th आज है और लास्ट डेट है इसकी फ़िल करने की June 9th। तो अभी आप लोग फिल कर लीजिएगा, मतलब 2-3 दिन के बाद, अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड करके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिसर इन ग्रेड बी जो जनरल है, उसका फेज़ वन का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपका July 9th को होगा, एंड फेज़ टू का पेपर 1, 2 एंड 3 ऑनलाइन वो July 30th को है, ठीक है। बाकी जो ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR है, इसका फेज़ वन और फेज़ वन जो है उसका पेपर 1 पेपर 2 July 16th को है, एंड फेज़ टू का जो पेपर है वो September 2 को होगा। और जो ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM है, उसका पेपर फेज़ 1 का पेपर 1 वो 16 जुलाई को होगा, और फेज़ 2 का पेपर 2 और 3 19 अगस्त को होगा, ठीक है। यहाँ पे एब्रीवेशन लिखी हुई है कि DEPR का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है DSIM। कैंडिडेट विल हैव टू अपियर इन ओनली 1 शिफ्ट ऑफ फेज़ 1 एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल हैव टू अपियर इन ऑल द शिफ्ट्स ऑफ फेज़ 2 पेपर 1, 2 एंड 3 एग्जामिनेशन, एंड परसेंटेज का मतलब डिनोट किया हुआ है, विल हैव टू अपियर फॉर बोथ पेपर। और स्टार 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 मतलब कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ग्रेड बी DR ईदर इन DPR या फिर DSIM स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पोस्ट आई हुई है देखो जनरल की जो है, मतलब जो ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल है उसमें अनरिजर्व्ड की 109 पोस्ट है, SC की 25, ST की 17 और OBC की 49 और EWS की 22, तो टोटल 222 पोस्ट है, ठीक है। बाकी PWBD की देख सकते हैं आप, और जो DEPR में उसमें अनरिजर्व्ड की 14 है, SC की 4, ST की 6 है और OBC की 11 और EWS की 3, तो टोटल 38 पोस्ट। और जो ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DSIM है उसमें टोटल पोस्ट 31 है, ठीक है, जिसमें जनरल की 9 पोस्ट हैं। बाकी देख लेते हैं और क्या पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग बेसिक पे 55,200 पर मंथ, बाकी ग्रेड पे वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एज लिमिट इसमें मिनिमम आपकी 21 कंप्लीट होनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 इयर्स ऑन 1 May 2023। ही और मस्ट शैल हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 May 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 May 2002। मतलब आपका जो बर्थ डेट है अगर वो मान लो फेब्रवरी में है या मार्च 1993 का, तो भी आप लोग अप्लाई एलिजिबल नहीं है। इसमें बोले कि May 2, 1993 से पहले आपके बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC वगैरह को है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और हाँ, ये आप लोग देख लीजिए, ऑफिसर इन ग्रेड बी जो जनरल है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो 50% है फॉर SC ST एंड PWBD के लिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, विद मिनिमम 55% चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एनी सच कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दैट इज़ टेकन आफ्टर क्लास 12th एंड इज़ एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन एंड कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनल टेक्निकल विल बी एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी जो ये DEPR है इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में, ठीक है। और जो DSIM है इसमें मास्टर डिग्री आपकी स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें चाहिए आपकी, मिनिमम 55% चाहिए। ये है, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है। हमीरपुर में है, सोलन में है, शिमला में है, और बाकी आप देख सकते हैं बाकी स्टेट्स का, ठीक है।
सेंटर फॉर फेज़ टू का जो है आपका वो किधर किधर है? चंडीगढ़ मोहाली। हाँ आई थिंक इसका जो फेज़ टू है आपका वो चंडीगढ़ मोहाली रहेगा। ठीक है, अगर एचपी वाले हैं शायद, देख लेना आप फॉर्म फिल करोगे तो पता लग जाएगा। बाकी जो फ़ी चार्जेस हैं देख सकते हैं, SC ST PWBD के लिए 100 रुपये हैं, जनरल OBC और EWS के लिए 850 प्लस 18% GST, और इसमें भी 18% GST के साथ, और स्टाफ के लिए नील है। ठीक है, सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.rbi.org.in। ठीक है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रही आपकी नोटिफिकेशन। बाकी फ़ोटोग्राफ, साइन वगैरह, डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, मिनिमम ये पेपर का आपका टाइप बताया हुआ है, अगर आप पेपर टू का, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से। ओके, सो ये आपकी नोटिफिकेशन थी, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड जो भरना चाहते हैं वो भर दो और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जल्द ही हो जाएगा जुलाई में। ठीक है, अभी मई चला है तो 2 मंथ हैं आपके पास। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।